अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ज़रदा बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा किलो चावल को पानी में भिगो दिया है, आधा किलो चीनी, आधा कप देसी घी, आधा कप अशरफियाँ, इसमें सुरख और सब्ज़ दोनों हैं, आधा कप खोया, एक खाने का चम्मच पिस्ते, एक खाने का चम्मच बादाम, आधा चाय का चम्मच जर्दे का कलर, एक खाने का चम्मच किशमिश, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 सब्ज़ इलायची, एक खाने का चम्मच नारियल और आधा कप दूध। चावलों को बॉईल करने के लिए 1 लीटर पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें आधा चाय का चम्मच जर्दे का रंग डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावलों का पानी हमने निकाल दिया है। अब चावलों को तेज़ आंच पर पका लेंगे। हम इसको आधा पकाएंगे और आधा इसको शीरे में पका लेंगे। चावल बॉईल हो गए हैं, अब हम इनको पानी से निकाल लेंगे। चावलों को पानी से निकाल दिया है। यहाँ हमने घी को गर्म कर लिया है। इसमें हम लौंग और सब्ज़ इलायची डाल देंगे। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें चीनी और आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दूध भी डाल देंगे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको 1 मिनट तक तेज़ आंच पर पका लेंगे। अब इसमें नारियल, बादाम, पिस्ते और किशमिश डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इस पर खोया और अशरफियाँ डाल देंगे और इसको कवर करके आधे घंटे तक दम पे रख देंगे। ज़रदा तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ज़रदे को हमने निकाल लिया है, अब हम इस पर खोए से गार्निश कर देंगे। ज़रदा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपका ज़रदा कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।